Hey guys, welcome back to my channel. So this is the last part of chapter 12 sound for NTSC students. हमने पिछले पार्ट्स में बहुत अच्छे से बहुत कुछ कवर कर लिया है, तो प्लीज़ पिछले वाले पार्ट्स ज़रूर देख लेना. मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है साउंड चैप्टर की, वहाँ से आपको सारे पार्ट्स मिल जाएंगे. हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, जस्ट हमारा पेंडिंग रह गया था स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर, वो भी हम आज कर देंगे. सो द ईयर कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर. हमारा जो ये ईयर है ना, ये तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर. अब इन तीनों को डिटेल में हम डिस्कस करते हैं. द आउटर ईयर इज कॉल्ड पिना. इट कलेक्ट्स अ साउंड फ्रॉम सराउंडिंग. दिस साउंड पासिस थ्रू द ऑडिटरी कैनल. एट द एंड ऑफ ऑडिटरी कैनल इज अ थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन कॉल्ड ईयर ड्रम और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. अब इसको अच्छे से हम डायग्राम से क्लियर करेंगे. ओके, सो ये जो हमारा आउटर ईयर है यहाँ तक, तो यहाँ सबसे पहले आता है पिना, जो क्या करता है, बाहर सराउंडिंग्स में से आवाज़ को कलेक्ट करता है. वो आवाज़ ऑडिटरी कैनाल से पास करती है, ठीक है, और जहाँ पर ऑडिटरी कैनाल का एंड होता है वहाँ एक ड्रम होता है. ड्रम, समझ रहे हो, ड्रम यहाँ लिखा भी हुआ है, ईयर ड्रम और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, क्लियर. अब हम करेंगे मिडल ईयर. सो द मिडल ईयर कंटेन्स ऑफ थ्री बोन्स, हैमर, एनविल एंड स्टिरअप लिंक्ड विद वन अनदर. फ्री एंड ऑफ हैमर टचेस ईयर ड्रम एंड दैट ऑफ स्टिरअप लिंक्ड विद मेम्ब्रेन ऑफ ओरल विंडो ऑफ इनर ईयर. एस्टूचियन ट्यूब इज अ पार्ट ऑफ मिडल ईयर. तो इसे अच्छे से डायग्राम से क्लियर कर लेते हैं. हमारा जो मिडल ईयर होता है उसमें तीन चीज़ें होती हैं मेन, स्टिरअप, हैमर, एनविल. ये तीनों जो है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं एंड एक ओवल विंडो एंड जो एस्टूचियन ट्यूब है इन्हें भी मिडल ईयर में ही माना जाता है, क्लियर. अब देख लेते हैं इनर ईयर, वेरी इंपॉर्टेंट. द इनर ईयर हैज़ अ कॉइल्ड ट्यूब कॉल्ड कॉक्लिया. जो आप देख सकते हो ये गोल गोल सी जो ये ट्यूब है, ये कॉक्लिया है एंड ये कॉइल्ड ट्यूब है विच इज़ कनेक्टेड विद ओवल विंडो. कॉक्लिया इज़ फिल्ड विद अ लिक्विड कंटेनिंग नर्व सेल्स. इसके अंदर, कॉक्लिया के अंदर क्या होता है, बहुत सारा लिक्विड भरा होता है जिसमें नर्व सेल्स होती हैं, नर्व सेल्स होते हैं. अदर साइड ऑफ कॉक्लिया इज़ कनेक्टेड टू ऑडिटरी नर्व विच गोज टू ब्रेन. तो हमारे कानों से जो आवाज़ है वो ब्रेन तक कहाँ से जाती है, ऑडिटरी नर्व से. ऑडिटरी नर्व, जो ये कॉक्लिया होता है ये एक साइड से ऑडिटरी नर्व से भी कनेक्टेड होता है जहाँ से ब्रेन को सिग्नल्स पहुँचाए जाते हैं. तो एक वर्किंग देख लेते हैं इसकी. व्हेन कंप्रेशन ऑफ साउंड वेव स्ट्राइक द ईयर ड्रम, द प्रेशर ऑन द आउटसाइड ऑफ द ईयर ड्रम इंक्रीजेज एंड पुशेज द ड्रम इनवर्ड्स. कहते हैं जब आवाज़ आती है ना, तो जब वो आवाज़ ईयर ड्रम तक पहुँचती है तो वो ड्रम स्ट्राइक करना स्टार्ट कर देता है एंड जो बाहर है आउटसाइड ऑफ ईयर ड्रम, प्रेशर जो है ईयर ड्रम के बाहर वो इंक्रीज़ हो जाता है, तो वो अंदर की तरफ चला जाता है ईयर ड्रम एंड वहीं से आगे आगे हमारे ब्रेन तक आवाज़ पहुंच जाती है और हम सुन पाते हैं. ये आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा. अगर आपको ये नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट करना, तो मैं आपको लिंक सेंड कर दूँगी और आपके पास सेम पीडीएफ खुला आएगा, आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हो. प्लीज़ आपको अगर पूरा चैप्टर समझना है तो प्लीज़ पहले पिछले वाले पार्ट्स देखना. आई होप आपको समझ आ गया होगा. बाय बाय.